में आपका स्वागत है। विद्युत की समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के महाराजपुर ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज ग्राम पंचायत मटौंधा वेसन के डबो की मोहल्ला में हो रही बिजली की समस्या को लेकर महाराजपुर बिजली ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपा एवं कार्यवाही की मांग की। और ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि डबो की मोहल्ला में जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर अथवा कैबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से बिजली सिलेंडर पेट्रोल सभी के रेट आसमान छू रही है और गरीब लोगों के बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं और लाइट की कटौती अधिक की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष टिंकू लल्ला, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक पटेल, नगर विधायक प्रतिनिधि प्रेम प्रजापति, वरिष्ठ नेता राजेंद्र अहिरवार, युवा नेता आशीष पटेल, आशीष बिलगाई, नेता जितेंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र। अच्छा जी, आपने यहाँ जो ज्ञापन दिया है वो किस कारण दिया है, किस चीज़ का दिया है? देखिए, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो मटौंधा बेसन, उसके मोहल्ला एक डबोरी मोहल्ला, उसमें विद्युत की समस्या को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि वहाँ के निवासी जो है बहुत परेशान हैं और गांव से एक किलोमीटर दूरी पर वे लोग निवास करते हैं। वो अंधेरे में उनका पूरा परिवार, जितने वहाँ मोहल्ले के वासी हैं, बहुत परेशान है। संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। वाजी साहब नहीं मिले हैं तो, लेकिन उनके